हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला, संकल्प लिया चारण। सभी एनपीएस कर्मचारियों ने एनएमओपीएस के बैनर तले एनपीएस के उन्मूलन तथा पुरानी पेंशन बहाल करवाने तक संघर्षक रहने के लिए संकल्प लिया। 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी विरोधी निर्णय के विरोध में अहिंसा सर्कल सिरोही में सैकड़ों कर्मचारियों कैंडल मार्च निकाला तथा संकल्प सभा का आयोजन किया, जिसमे नेशनल मूवमेंट के जिला समन्वयक जीवत जाम चारण नरसेठ जिला अध्यक्ष सिरोही ने संबोधित करते हुए बताया कि नई पेंशन योजना में निवेशित फंड का कॉर्पोरेट की दूषित नजर है। ये योजना विश्व के एक बड़े घोटाले का शिकार होने जा रही है। जब तक घोटाला सामने आएगा तब तक कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा लूट चुका होगा। कैंडल मार्च के द्वारा नव वर्ष का आंदोलन कर आगाज किया है व कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि जब तक एनपीएस का उन्मूलन नहीं होता तथा पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक एनएमओपीएस के बैनर तले संघर्ष करते रहेंगे। कर्मचारियों ने यह भी संकल्प लिया कि आंदोलन को परवान चढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए योजक की भूमिका निभाएंगे, न खुद चैन से बैठेंगे न सत्तासीनों को चैन से बैठने देंगे। शिक्षक कर्मचारी नेता व संरक्षक गोपाल सिंह राव ने कहा कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विधायक सांसद ले रहे तीन तीन पेंशन, कर्मचारी को एक भी नहीं। देश के विधायक व सांसद है जो तीन तीन पेंशन ले रहे हैं, जबकि कर्मचारी 30 से 35 साल सेवा करने के बाद भी पेंशन के लिए कॉर्पोरेट घराने के भरोसे रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यदि नई पेंशन योजना इतनी ही बेहतर है तो विधायकों और सांसदों पर भी इसका योजना लागू किया जाए, अन्यथा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल की जाए एवं समग्र शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष व संरक्षक डॉक्टर उदय सिंह डिंगार ने अपने उद्घोषक में कहा कि कृषि कानून वापस लिए जा सकते हैं तो एनपीएस वापस लेकर ओपीएस लागू क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने समस्त कर्मचारी संगठनों से एनएमओपीएस के महा आंदोलन में शामिल होकर भागीदारी निभाने की अपील की है। कैंडल मार्च तथा संकल्प पत्र को विभिन्न कर्मचारी संगठनों, नर्सेज संघ, सभी शिक्षक संघ, एकीकृत महासंघ, बिजली जलदाय पंचायती राज, पटवार संघ, शारीरिक शिक्षक संघ, सभी संगठनों ने दिया समर्थन। एनपीएस के खिलाफ 1 जनवरी को निकाले गए कैंडल मार्च तथा संकल्प पत्र को कर्मचारी संगठनों समर्थन देते हुए सक्रिय भागीदारी निभाई तथा इस विरोध प्रदर्शन में कई कर्मचारी संघों ने भाग लिया। कर्मचारी संघ के नेता इंदरमल पुरोहित, तोला राम, मंजा राम मड़िया, अमर सिंह केर, परेश कुमार गर्ग ने भी उद्बोधन देकर इस लड़ाई में अधिक से अधिक भाग लेने का आह्वान किया, जिससे ये ओल्ड पेंशन की मुहिम जन जन तक पहुँच कर सरकार ओल्ड पेंशन देने के लिए बाध्य हो जाए। क्या है नई पेंशन योजना? भारत सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से 1 जनवरी 2004 के बाद लगे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई तथा उसके स्थान पर अंशदायी नई पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना में कर्मचारी की 10% हिस्सेदारी तथा उतनी हिस्सेदारी सरकार की ओर से की जाती है, जो एक कॉर्पोरेट लोगों को समर्पित योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं। ये सारा पैसा SBI पेंशन फंड, UTI पेंशन फंड तथा LIC पेंशन फंड में जाता है। वहाँ से पैसा प्राइवेट कंपनियों में शेयर मार्केट में लगाया जाता है। 2004 में पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, लेकिन 2004 के बाद आए कर्मचारियों को पेंशन फंड से जो पेंशन दी जाएगी उसमें अंधकार तथा अनिश्चित है। जहां पर कितनी पेंशन मिलेगी, किस प्रकार पेंशन मिलेगी, कितने साल पेंशन मिलेगी, सब कुछ अंधेरे में है। यह जो पुरानी पेंशन स्कीम है यह बहुत ही घातक स्कीम है। नई पेंशन योजना में बुढ़ापे का सहारा छीनने के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी बरामदे के अहाते में स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए या फिर किसी वृद्ध आश्रम में मिलेगा। इतना ही नहीं, नई पेंशन योजना में GPF, फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी पेंशन, कम्प्यूटेशन, वेतन आयोग, DA भी छीन लिया गया है। पुरानी पेंशन बूढ़े माँ बाप की दवाई है, बच्चे की पढ़ाई है, बहन की राखी पत्नी के सम्मान का घूंघट है। इस मुहिम में अहिंसा सर्कल पर भर्ती माली, प्रभु सिंह जोधा, शक्ति सिंह राठौड़, रुस्तम खान, प्रवीण सिंह गोयल, पूर्ण सिंह देवल, ललित आर्य, मजहर बैग, चुन्नीलाल कंडेला, डॉक्टर देवेंद्र यादव, राजेंद्र कुमार, रजनी निर्मल, अहमद अली, देवीलाल खचवा, राजेश सागवान, मुकेश पुनिया, चिराग पांचाल, जीवन पाल सिंह, धीरज कुमार माली, हवा सिंह गुज्जर, राजेंद्र जांगीर, किरण बैरवा, जगदीश सैनी, कांतिलाल प्रजापत, सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सिरोही के राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिला अध्यक्ष जीवत जाम चारण, इन्होंने ये कहा, कर्मचारी और ओपीएस कर्मचारी सभी यहाँ पधारे हैं
ये तहे दिल से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मोमेंट हमें एक स्वयं को लेकर चलेंगे तब तक ही पूरी होगी। अपन दूसरे के भरोसे रहे कि वो आएगा नहीं आएगा, अपन को जाना है। जहाँ भी ये NPS मूवमेंट होता है ये हम सबको पहुँचना है। और ये बड़ी खुशी की बात हुई कि आज ये अच्छा मूवमेंट लगा। ये मूवमेंट हमने 10 साल भी किया था तो हम यहाँ 5वें पहुँचे थे। तो धीरे धीरे ये जागृति आ रही है, ये हम सभी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। आज 1/1/2004 30 जनवरी के दिन ये अधिसूचना लागू हुई थी और हम एक बेसहारा हो गए हैं, ये समझ लो। और इससे आगे आगे इतनी इसकी भयानक स्थितियाँ होंगी, अपने परिवारजन हैं, अपने बच्चे हैं, आगे आगे जो भी होंगे वो इस पीड़ा को अपन जो भुगत रहे हैं वो आगे नहीं भुगते। इसलिए अभी से अपन यदि लड़ाई लड़ ली तो एक दिन ये इस अहिंसा सर्कल से हम इसी अहिंसा तरीके से ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे और एक दिन NPS को हटा करके OPS को लागू करके ही रहेंगे। जय हिंद। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से खास रिपोर्ट।